हेलो दोस्तों, आज मैं जा रही हूँ बागेश्वर और ये मैं पहुँची हूँ अभी मनकोट। अपने घर से लगभग मैं आ चुकी हूँ 14 किलोमीटर आगे। मैं जा रही हूँ अपनी दोस्त से मिलने के लिए, अपनी बेस्ट फ्रेंड से मिलने के लिए। तो आप सभी को मैं आज अपनी दोस्त से मिलवाऊंगी, तो आप बने रहिए मेरे ब्लॉग के साथ। ये पहुँच चुकी हूँ मैं बागेश्वर। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है जया उपाध्याय। मैं बागेश्वर के एक प्यारे से गांव भतोड़ा की रहने वाली हूँ। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं आई हूँ अपनी दोस्त के रूम में और ये उसकी प्यारी सी क्यूट सी बहन है अन्नू। चल अन्नू अपना नाम बताओ। व्हाट इज योर नेम? माय नेम इज अर्नवी दोसाद। अर्नवी दोसाद, दोसाद। और तुम कौन सी क्लास में पढ़ती हो? फोर्थ। फोर्थ क्लास में? हाँ। वेरी गुड। ये आंटी जी हैं। ये पराठे बनाए हैं मैंने तेरे लिए आलू के। इसमें नूडल्स, नमकीन, पंजाबी तड़का। चल चल दोस्तों को हाय बोल। हाय बोल। हाय हाय। भी मैंने बनाए हैं मेरे लिए आलू, टेस्टी टेस्टी। और मैं भी उसके लिए नाश्ता लेके आई हूँ। अभी दोनों नाश्ता कर रहे हैं। गाइस खाओ। तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं तीसरी दोस्त को लेने के लिए। उसके पास थोड़ा सामान था जो उसको भारी हो चुका है, तो उसको लेने के लिए हम जा रहे हैं। सामान ज्यादा नहीं है। सामान ज्यादा नहीं है लेकिन मॉडर्न है तो इसलिए नहीं ला पाती है। हाँ, थोड़ा वीक भी है तब लेने के लिए जा रहे हैं हम। सामने अभी दिख रही हो, आ भी गई। ये आगे हमारी मॉडर्न दोस्त। सामान थोड़ा सा है और इसने जितना हल्ला कर दिया, हमें लेने के लिए आओ, मुझे लेने के लिए आओ करके। और ये दोस्त लेके आई है हमारे लिए मट्ठा और नाशपाती। नाशपाती भी काफ़ी अच्छे हो रहे हैं। और ये है पहाड़ी केले और खुद ला के खुद खाने भी लग गई। अब हम खा रहे पहाड़ी केला, एकदम टेस्टी टेस्टी। जो पहाड़ी केले होते हैं उनका टेस्ट काफी अलग रहता है। तो दोस्तों अभी बज रहे हैं शाम के 5 और हम जा रहे हैं मार्केट को, और साथ ही बाबा बागनाथ की आरती में भी शामिल हो जाएंगे। और आज मैं आपको दिखाऊंगी बागेश्वर की मार्केट और बाबा बागनाथ की आरती आपको दिखाऊंगी।
अब हम आ चुके हैं सिनोले पे। यहाँ पे काफ़ी अच्छा पानी है, ठंडा, और पूरा बागेश्वर यहाँ से पानी पीता है। ये आ चुके हम दुग बाज़ार में। ये मार्केट दुग बाज़ार के नाम से जानी जाती है। अब हम पहुंच चुके हैं बाबा बागनाथ की नगरी में, और यहाँ पे लिखा हुआ है आई लव बागेश्वर। यहाँ पे काफ़ी अच्छा फ़ोटो शूट किया जाता है। जो भी बागेश्वर में घूमने के लिए आता है वो यहाँ पे फ़ोटो शूट ज़रूर ही करता है। और ये है बागनाथ को जाने वाली पुल। हाल ही में ये पुल बनी है 2021 में। ये है सरयू नदी, जो कि कपकोट के सरमूल नामक जगह से निकलती है, और उधर से आ रही है गोमती नदी, जो कि बैजनाथ से गरुड़ बैजनाथ से आती है। सरयू गोमती के मनोरम इस स्थान पे बाबा बागनाथ का मंदिर स्थित है। शरण आए मांगे भक्त जनिए, शंभु शरण आए मांगे भक्त जनिए, कष्ट निवारो दया करो दर्शन शिव दे दो, हरने वाले भोले भक्तों के दुख हरने वाले, शुभ सबका प्रभु करने वाले, शुभ सबका प्रभु करने वाले, इनकी पीड़ा हरो इनको मुक्त करो कष्ट निवारो, दर्शन करने के बाद अब हम जा रहे हैं सरयू किनारे बैठने के लिए नदी पे। वहाँ पे काफ़ी सुकून महसूस होता है। अभी बैठने के बाद सच में मतलब जो हमारी पुरानी यादें हैं वो ताज़ा हो गई हैं ना पूनम ना। अभी मैं वैसे बता तुझे कैसा लग रहा है आज दोस्तों के साथ? याद आ रही, मतलब हमारे जो ग्रुप के और दोस्त हैं उनकी हमें बहुत याद आ रही है। सबको बहुत बहुत जो जहाँ है अगर हमारी वीडियो देख रहा है तो मिस यू सो मच। आप लोग भी होते अच्छा लगता। टाइम बाद हम यहाँ पे बैठे हैं ना, और एक साथ मतलब एक साथ बहुत लंबे समय बाद हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। किसी की याद आ रही है यहाँ पे? 18, 19, 20, 21 तक की याद है, बहुत प्यारी प्यारी याद है जो हम आपको बता नहीं सकते हैं। मेरी याद है यहाँ पर की नहीं है जो ये बोल रही है, लेकिन बहुत अच्छी दोस्तों वाली मतलब बहुत ज्यादा अच्छी वाली याद है हमारी। तो दोस्तों आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। तो अब मिलते हैं कल के नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।